मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीकमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक के समर्थन में रोड शो करने छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि पहले वह अपना घर देखें, उनकी पार्टी नेता उन्हें छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। बीजेपी एमपी 29 की 29 सीट जीतेगी। दिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटता है, वो घर देख ले तो बहुत है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, कांग्रेस के लोगों में दम नहीं कि वो कह दे के 400 पार। ये भाजपा के बब्बर शेरों का घोषणा है कि जनता हमारे साथ है और भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से मध्यप्रदेश में जो मोदीमय माहौल बना है, 29 की 29 लोकसभा सीट भाजपा जीतने जा रही है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के मित्रगण भाजपा में आकर के इस भाजपा की ताकत की राष्ट्रवादी विचार को बढ़ा रहे हैं। खासकर टीकमगढ़ की धरती पर ऐसा लगा है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जहां कमल के फूल की बात नहीं हो रही। सबके चेहरे बता रहा है कि सबने संकल्प कर लिया है, आने वाली 26 तारीख को यहां ऐतिहासिक रूप से कमल खिलेगा, फिर एक बार वीरेंद्र जी मंत्री बनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री, फिर विश्व में भारत को नंबर वन का देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आप सब भाजपा के साथ दीजिए, विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी।